जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों ये कहानी है लेकिन रियल में होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं तो 100% आपके साथ बुरा नहीं होता है। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कुछ भी हो जाए किसी के साथ बुरा नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका परिणाम बुरा होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा किसी के साथ बुरा ना हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी बताऊँगा जिससे ये साबित होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी रियल में होता है। आपसे रिक्वेस्ट है ये कहानी जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा कहानी है। इससे कुछ सीखने योग्य बात ही नहीं बहुत कुछ सीखने योग्य बातें मिलता है। एक लोमड़ी थी, लोमड़ी वो शिकार करने गई थी। शिकार करने के चक्कर में वो फंस गई थी, यानी शिकार करने गई थी ना तो फंस गए। आजू बाजू चिल्ला रहे थे, उसे कोई नहीं सुन रहा था। एक बगुला था, बगुला ने वो पानी पीने गया था। बगुला आया, देखा लोमड़ी फंसी हुई थी, लोमड़ी को छुड़ाया, अपना चोंच से छुड़ाया। फिर लोमड़ी बगुला को बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया और दोस्ती बना लिया, वही हो बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गया, करीबी हो गया। देखिए ये कहानी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छा कहानी है, प्लीज़ गौर से सुनिएगा। लोमड़ी ने बगुला को दोस्ती बना लिया और लोमड़ी बगुला को बोला कि मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे जान बचाए। इसलिए लोमड़ी ने बगुला को कहा कि आप मेरे घर आइए खाने पर, खाने के लिए बुलाया। बगुला ने कहा ठीक है मैं आज शाम में आ जाऊँगा। लोमड़ी ने गया घर, घर गया तैयारी वारी किया, बगुला गया, शाम में बगुला पहुँचा। लोमड़ी ने बगुला को बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से अभिनंदन किया, लेकिन लोमड़ी के मन में कुछ और चल रहा था। वो तो पहले से आपको मालूम होगा कि लोमड़ी बहुत शातिर होती है, उसका दिमाग बहुत शातिर होता है। तो लोमड़ी के मन में ये चल रहा था कि आज बगुले को इंसल्ट करवाना और इसे भूखा ही रखना। लेकिन ये बात बगुले को नहीं पता था, क्योंकि उसे तो मालूम था कि शायद मैं जान बचाई, इसलिए लोमड़ी ने मुझे खुश होकर अपने घर बुलाया खाने के लिए। ये बात बगुला को नहीं मालूम था, इसलिए लोमड़ी ने अपने घर बुलाया और बगुला को बोला तुम बैठो यहाँ पर, मैं खाना लेकर आता हूँ। खाना भी लेकर आया लोमड़ी, तो वो ना थाली में लेकर आया, जो कि आपको पता होगा कि बगुला को थाली में खाना खाया नहीं जाता है। लेकिन वहाँ पर यह हुआ कि लोमड़ी ने अपने बैठ कर खा लिया और बगुला को तो थाली में होता नहीं खाना। उस दिन बगुला शाम में भूखा ही रह गया। तो बगुला ने बोला लोमड़ी से कि आप मुझे बहुत अच्छे से स्वागत किए हैं, मैं आपको भी स्वागत करना चाहता हूँ, आप मेरे शाम में मेरे घर आइए, मैं आपको खाने के लिए बुला रहा हूँ। तो लोमड़ी ने कहा चलो ठीक है, तुम आई थी मेरे घर, मैं भी आ जाऊँगा। तो बगुला ने गया अपने घर, वो भी गया घर, तैयारी वारी की खाना वाना का। लोमड़ी आया, शाम होते ही लोमड़ी आया, सेम प्रोसेस जैसा लोमड़ी की थी बगुला के साथ, वैसा ही बगुला ने लोमड़ी के साथ किया। लोमड़ी को बगुला अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से स्वागत किया, जैसे स्वागत किया था। और लोमड़ी को बोला बगुला क्या बैठिए मैं खाना लेकर आता हूँ। वो एक सुराही में खाना लेकर आया जिसमें लोमड़ी खा ही नहीं सकता था, और बगुला उसके सामने बैठ करके खाना खा लिया और लोमड़ी भूखी रह गई। उस दिन भी शाम में भूखी रह गई। उस दिन लोमड़ी को समझ में आया कि शायद जैसी करनी वैसी भरनी जो होता है ये रियल में होता है। अगर लोमड़ी बगुला के साथ ऐसा नहीं करती तो शायद बगुला भी उसके साथ ऐसा नहीं करता, क्योंकि बगुला ने लोमड़ी को जान बचाई थी, लेकिन फिर भी लोमड़ी ने बगुला के साथ बहुत गलत किया। इसलिए कहा जाता है किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी के साथ चाहे कुछ भी हो जाए किसी के साथ बुरा नहीं कीजिएगा।